नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब सेलिब्रिटीज हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, यदि आपके पासे सही पड़ गए करोड़ों में खेलोगे, क्योंकि इस उपाय को करने से राहु प्रसन्न होते हैं। कलयुग के देव है राहु। यदि आपने कलयुग में राहु को प्रसन्न कर लिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिया। और कोई आवड़त और कोई स्किल आपके पास हो ना हो, राहु यदि आपके ऊपर प्रसन्न है तो पैसे कहीं से भी आते हैं, बहाने मार मार कर आते हैं। घर के लोग जो बुरी संगत में चढ़ गए हैं, वो बुरी संगत को, कुसंगत को छोड़ने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राहु यदि आपके ऊपर नाराज है, राहु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपकी संगत गलत लोगों के साथ हो जाएगी। आप देखो कई अच्छे परिवारों के बच्चे भी किसी चोर चमार का साथ कर लेते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं और का समय जेल पहुंच जाते हैं। गलत से गलत काम आप करने लग जाते हैं। जब आपके संपर्क में कोई गलत आपका दोस्त आ जाए, कोई लड़का है जिसके संपर्क में कोई गलत लड़की आ जाए जिसके इरादे अच्छे ना हो, कोई अच्छी लड़कियां हैं उनके संपर्क में गलत लड़के यदि आ गए तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप देखो जहां पर भी विजातीय संबंध है, राहु से प्रभावित होकर के जो भी ऐसे संबंध बने हैं वो विनाश का कारण हो जाते हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उनकी मति मरती है क्योंकि राहु उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। राहु ग्रसित व्यक्ति आप देखना कुसंगत में बहुत जल्दी पड़ेंगे। नशाखोरी, उनके एक ना एक नशा तो वो पाल करके जिएंगे ही। उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, उनकी मानसिकता बहुत ज्यादा दूषित होती है। जब तक वो कोई नशे का सहारा ना करे वो कोई काम ही नहीं कर पाते। कोई ना कोई नशा होगा, झूठ बोलना, धोखा देना, छोटी छोटी बातों में चालाकियां करना, और ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके चंद्र को खराब करती है। चंद्र दोस्तों आपके जितने मजबूत बनेंगे आपका मन उतना ही ज्यादा स्वच्छ होता है। आप अपने कर्मों को बड़े मन से और प्रेम से करते हैं। आपको हर जगह नेचुरल प्रेम मिलता है जो ओरिजिनल है, जो सच्चा है। राहु ग्रसित व्यक्ति हर जगह गलत जगह फंसता रहता है, सोचता कुछ और है और उसको मिलता कुछ और है। तो इस ग्रह को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलयुग में इसको पहले प्रसन्न किया जाए, क्योंकि यदि आप कुसंगत में है आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, काम धंधे में आपका मन नहीं लगेगा। बहुत मेहनत करके यदि आप पैसे लेकर के भी आए हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं गलत जगह उड़ा देंगे, है ना। तो ये जो शनिश्चरी अमावस्या 27 अगस्त शनिवार के दिन, शनिवार का दिन है और अमावस्या है, मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल दिन है राहु को प्रसन्न करने का। वैसे तो मैंने ढेरों उपाय अपने चैनल पर बता चुकी हूँ मैं। यदि आपको जरूरत लगे तो एक बार चैनल की विजिट जरूर लें, तमाम उपायों को जरूर आप चेक करें। जो भी उपाय जितने भी आप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप सारे उपाय करें, लेकिन जो आपके लिए सुटेबल हो उन उपायों को आप जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम ऐसी ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। यदि आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। अच्छी जानकारी है, किसी का भला होगा तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। शनिवार की रात, वैसे तो मैंने और भी काफी उपाय बताए हैं, लेकिन राहु को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार रात सोने से पहले जरा सा जीरा जमीन पर बिखेर दें। रात को सोने से पहले जरा सा जीरा जमीन पर बिखेर दें, सुबह उसको झाड़ू से साफ करके बाहर फेंक दें या फिर बाहर रख करके जला दें। आज के दिन यदि आप दो कलर की गाय को गेहूं के आटे का एक लोया बनाए और उसके अंदर जीरा रख दें, और दो कलर के गाय को, चितकबरी गाय को, यदि आज आप जीरा खिला देते हैं इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो भी दोस्तों 33 कोटि देवताओं के साथ राहु और केतु दोनों आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आज के दिन दो कलर के कपड़े, यदि आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दो कलर के कपड़े दान में दें। कंबल का दान करें, बेडशीट का दान करें, वो जो दो कलर की हो,
आज डबल कलर के जूते, जूते या चप्पल जिसमें दो कलर हो, ऐसे चप्पल आज के दिन आप दान में दें। यदि आप राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो काले रंग के जूते या चप्पलों का आज के दिन दान करें। एंड स्पेशली 8 नंबर के जूते यदि आज के दिन आप दान करते तो आपके शनि भी मजबूत बनेंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके शनि को मजबूत करेंगे, आपके राहु को मजबूत बने कर देंगे। यदि कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछें, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।